जब कभी भी हम मूवीज़ को देखते हैं, आपने इन सब कॉफ़ीज़ के नाम तो सुने होंगे, एस्प्रेसो, अमेरिकानो, माकियाटो, फ्लैट वाइट, कैपेचिनो, लाटे एंड मोका। वेन एवर यू वॉच द मूवीज़, हम ऐसे बातों को सुनते हैं। एग्जैक्टली हम कहते हैं, एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी विद मी, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगे, राइट? सो दीज सेंटेंसेस एक्चुअली विच ट्रबल्स अस एट द टाइम ऑफ गेटिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ कॉफ़ीज़ आर देयर, कौन सी कॉफ़ीज़ वहाँ पर हैं। सो टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी स्पेशल थिंग, द टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ एंड द इन्ग्रीडियंट ऑफ दीज, दैट हाउ टू पहचाने, मतलब हाउ टू रिकोगनाइज डेम, दैट कौन सी कॉफ़ी कैसी होती है। क्लियर? सो वेल गाइज, माई नेम इज जितेंद्र एंड मोस्ट वेलकम टू हियर विद जितेंद्र। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग टिल द एंड, ताकि आपको मैं पूरा बता पाऊँ कि टाइप्स ऑफ कॉफीज में क्या क्या होते हैं, जो मेन कॉफीज आई हैव टेकन नाउ फॉर यू। देखिए, द फर्स्ट टाइप्स ऑफ कॉफीज इज दैट्स कॉल्ड एस्प्रेसो। एस्प्रेसो कौन सी कॉफी होती है, देखना। सबसे पहले क्या लेना है आपको, कॉफी पाउडर। क्या लेना है? कॉफी पाउडर ले लेना है, डन, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट इसमें क्या करना है, लिटिल वाटर। क्या करना है? लिटिल वाटर, यानी H2O लिख देता हूँ, समझ जाना आप केमिस्ट्री की भाषा में, H2O। आपको कॉफी पाउडर लेना है, एंड आफ्टर दैट यू टेक द लिटिल वाटर, एंड देन इट विल बी द एस्प्रेसो। नाउ देयर इज अनदर वन विच इज जस्ट क्वाइट सिमिलर टू द एस्प्रेसो। एक नेक्स्ट वाला जिसको कहते हैं अमेरिकानो, एंड अमेरिकानो इज जस्ट क्वाइट सिमिलर टू एस्प्रेसो। एस्प्रेसो के सिमिलर होता है। तो एस्प्रेसो देखिए क्या, सॉरी, ये क्या होता है, अमेरिकानो क्या होता है। अमेरिकानो में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको लेना है कॉफी पाउडर, जस्ट लाइक अ कॉफी पाउडर वी हैव, देन वी विल हैव मो वाटर। क्या लेंगे? मो वाटर एनी H2O। इसका मतलब इन द कंपेरिजन विद दिस एस्प्रेसो, एस्प्रेसो में लिटिल वाटर होता है, लेते लिटिल H2O, बट इन द अमेरिकानो थोड़ा सा मोर वाटर रहेगा, एक्स्ट्रा वाटर रहेगा। तो ये हो जाएगा अमेरिकानो एंड दिस इज एस्प्रेसो। अमेरिकानो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या डार्क हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव दैट्स एक्चुअली माकियाटो, विच आई हैव टेकन नाउ फॉर यू। ठीक है ना। इन द माकियाटो एक्चुअली व्हाट हैपेंस फॉर अस, सबसे पहले देखिए हमको एस्प्रेसो लेना है। एस्प्रेसो मीन्स क्या होता है, ये फर्स्ट वाला, कॉफी पाउडर एंड लिटिल वाटर। तो यहाँ पर हम लेंगे एस्प्रेसो। क्या लेंगे? एस्प्रेसो। एंड आफ्टर दैट हमको ऐड करना है थोड़ा सा मिल्क फॉर्म। क्या होता है? मिल्क फॉर्म। देखिए मिल्क फॉर्म क्या होता है, मिल्क फॉर्म मशीनों में बनाया जाता है आर्टिफिशियली, राइट, जो कि दूध के झाग की तरह रहता है। एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड मिल्क फॉर्म, इस तरीके से उसको बोलते हैं मिल्क फॉर्म, जो ऊपर से कर दिया जाता है। तो एस्प्रेसो लेंगे एंड आफ्टर दैट हमको मिल्क फॉर्म लगा देना है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉफी का माकियाटो। सो व्हाट इज द माकियाटो? माकियाटो इज अ टाइप ऑफ कॉफी इन विच वी एड सम एस्प्रेसो एंड देन आफ्टर मिल्क फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड माकियाटो। नेक्स्ट वी हैव द फ्लैट वाइट। द फ्लैट वाइट इज क्वाइट सिमिलर टू द माकियाटो। माकियाटो के क्वाइट सिमिलर होता है फ्लैट वाइट। देखिए माकियाटो में क्या था, एस्प्रेसो मिलाते हैं और फिर क्या मिलाते हैं, मिल्क फॉर्म मिलाते हैं। द सेम लाइक दैट एक्चुअली फ्लैट वाइट। फ्लैट वाइट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस्प्रेसो। क्या लगाते हैं? एस्प्रेसो। एंड आफ्टर एस्प्रेसो हम डायरेक्टली देखिए मिल्क को ही डाल देते हैं, मिल्क, मिल्क फॉर्म नहीं, यानी कुछ झाग टाइप का होता उसको नहीं, बल्कि मिल्क को ही डाल देते हैं एस्प्रेसो में। एस्प्रेसो मतलब क्या, लिटिल वाटर मतलब H2O एंड कॉफी पाउडर, इस तरीके से कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, लिटिल वाटर लेना है, मतलब लिटिल वाटर कॉफी पाउडर, एंड देन आफ्टर हम मिल्क को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा फ्लैट वाइट। द नेक्स्ट वी हैव द क्वाइट एक्चुअली सो मच यू नो पॉपुलर, दैट्स कॉल्ड कैपेचिनो। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, CAPU रहेगा, ये गलती से हो गया था, देन CCINO। कैपेचिनो इज सो मच फेमस एक्चुअली इन द साउथ मूवीज। साउथ मूवीज से भी यही कहा जाता है मोस्टली, जब हीरो हीरोइन मिलते हैं, लेट्स हैव अ कैपेचिनो टुडे, एक्सक्यूज मी, गिव मी कैपेचिनो, ऐसे बोलते हैं। तो कैपेचिनो क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको एस्प्रेसो ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एस्प्रेसो ऐड करना है। देन आफ्टर आपको ऐड करना है मिल्क। क्या ऐड करना है? मिल्क ऐड करना है। एंड देन लास्ट आपको ये ऐड करना है मिल्क फॉर्म। क्या ऐड करना है? मिल्क फॉर्म। ध्यान देना, ये फिफ्थ नंबर का मैंने बताया कैपेचिनो, इन विच देयर इज एस्प्रेसो, मिल्क एंड मिल्क फॉर्म, इस तरीके से अगर बनाते हैं तो वो आपका कैपेचिनो होता है, जो इसका इंग्रेडिएंट का परसेंटेज कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें होती है इक्वली मिलाया जाता है, ठीक है ना। ये जो होता है पूरा इक्वली सब कुछ रहता है, एग्जैक्टली ये सारे इक्वल होते हैं, मतलब जितनी मात्रा में सारे रहेगा सब ये रहेगा। नेक्स्ट वे द सिक्स वन दैट इज कॉल्ड द लाटे। एग्जैक्टली लाटे इज जस्ट लाइक क्वाइट सिमिलर टू द यू नो कैपेचिनो। जो होता है लाटे, लाटे जस्ट सिमिलर टू द कैपेचिनो होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एग्जैक्टली। इसमें भी देखिए हम लोग सबसे पहले एस्प्रेसो मिलाते हैं, ध्यान देना एस्प्रेसो से ही सारे बन रहे हैं एस्प्रेसो। फिर इसके बाद हम क्या मिलाते हैं, मिल्क मिलाते हैं, देन आफ्टर दैट हम लगाते हैं मिल्क फॉर्म। क्या मिलाते हैं? मिल्क फॉर्म मिलाते हैं। ध्यान देना, दीज आर क्वाइट सिमिलर बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। इसमें जो मिल्क होता है ना, यस मिल्क 50% इसमें रहता है, बाकी ये 25% रहता है मिल्क फॉर्म एंड एस्प्रेसो, एंड मिल्क 50%।
बट इन दिस एक्चुअली क्या होता है कैपेचिनो में ये सारे मतलब क्या होते हैं 33 33 33 ऐसे करके मतलब कि एकदम इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बट इन दिस व्हाट हैपेंस द मिल्क इज समथिंग मोर, ये थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा होता है इसमें करके. नेक्स्ट वी हैव द मोका, एक्चुअली वी हैव दैट्स वेरी नाइस नाउ द कॉफी फॉर अस इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन इन दिस वे. नेक्स्ट हमारे पास सातवां होता है मोका. मोका में देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या मिलाना है, एस्प्रेसो मिला देना है. सेकेंड आपको क्या देना है, मिल्क मिला देना है. थर्ड आपको क्या करना है, मिल्क फॉर्म ऐड कर देना है. एंड आफ्टर दैट आपको क्या ऐड कर देना है, चॉकलेट. क्या ऐड कर देना है, चॉकलेट ऐड कर देना है. ये इक्वली रहेगा एग्जैक्टली, मतलब सारे इक्वल रहेंगे, एस्प्रेसो मिल्क मिल्क फॉर्म एंड चॉकलेट सब कुछ इसमें मिला देंगे तो वो हमारा हो जाएगा मोका. सो दीज एक्चुअली टाइप्स ऑफ कॉफीज एंड होप दैट आपको समझ में आया होगा. अगर आपको भी अच्छा समझ में आया सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. आई होप दैट यू गॉट टू नो समथिंग. थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट.